मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 12. कौन सा है चैप्टर 12? हीरोज फॉर्मूला. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ये हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था. क्या होता है स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. एस क्या होता है हाफ ऑफ दी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल और ए बी सी क्या थी साइड्स ऑफ दी ट्रायंगल. इसमें हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम वैसे ही है. एक इसमें करते हैं थर्ड क्वेश्चन. देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें. देयर इज अ स्लाइड इन ए पार्क. एक पार्क है उसमें एक स्लाइड है. वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर. तो इसकी ये यहाँ पर पेंट किया हुआ है इसकी एक साइड पर विद ए मैसेज. ये जो मैसेज लिखा हुआ है ये पेंट हो रखा है यहाँ से. एक साइड पर क्या हो रहा है पेंट विद ए मैसेज. मैसेज क्या है हमारा कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. पार्क को ग्रीन रखना क्लीन ये मैसेज है. इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर वॉल की साइड क्या है हमारी 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर. फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर. फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर. अब इसमें एरिया निकाला है. अब देखिए एरिया निकालने का मैंने आपको बताया था किससे निकालेंगे हीरोज फॉर्मूला से. लेट अस टेक साइड हमारी क्या हो गई ए बी सी. ए क्या है 15 मीटर बी क्या है 11 मीटर एंड सी है 6 मीटर. ठीक है एस कैसे निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. ए क्या है 15 प्लस बी है 11 और सी क्या है 6 बाय 2. कितना आ गया ए 5 प्लस 1 6 6 प्लस 6 12 1 और 1 2 और 1 को कैरी हो गई 3 बाय 2 कितना आ गया डिवाइड हो के 16. क्या आया हमारा 16 मीटर. ठीक है ये आया किसकी वैल्यू आई है ये एस की. अब एरिया क्या निकालना है एरिया पेंटेड इन कलर. इससे निकालेंगे हीरोज फॉर्मूले से. क्या होता है हीरोज फॉर्मूला ट्रायंगल ही तो है एक ट्रायंगुलर शेप है. एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. एस क्या है इसमें 16. क्या आया एस हमारा 16 एस माइनस ए 16 माइनस ए. ए की वैल्यू क्या है 15 मीटर. एस माइनस बी एस 16 और बी की वैल्यू 11 मीटर. एस माइनस सी एस क्या है 16 और सी की वैल्यू क्या है 6. सारी वैल्यू पुट हो गई इसमें एस की वैल्यू भी और ए बी सी की वैल्यू. चलिए सॉल्व करते हैं. स्क्वायर रूट 16 इंटू 16 माइनस 15 1 16 माइनस 11 5 और 16 माइनस 6 आ गया 10. और क्या करना है इसके फैक्टर 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4. क्या लिख सकते हैं 16 को हम 4 इंटू 4 4 इंटू 4 यहाँ लिख देते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर साइड. 16 को क्या लिखेंगे हम 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 5 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2. क्या हो जाएगा 10 इसमें 5 इंटू 2. अब स्क्वायर रूट है तो क्या बनाएंगे पेयर. एक 4 आ गया और ये 5 का पेयर हो गया इंटू 5. अंदर क्या रह गया 1 इंटू 2. 5 इंटू 4 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. एरिया किस में लिखते हैं स्क्वायर में. क्या आ गए 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. तो एरिया क्या आया हमारा पेंटर करने के लिए 20 मीटर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. ठीक है और क्वेश्चंस हैं जैसे अगर हमें गिवन है इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें साइड्स दी हुई है रेशो में. इसमें दी हुई है रेशो में. तो अगर रेशो में साइड है तो उनके साथ हम ऐड करते हैं x क्योंकि वो जो x है उससे वैल्यू निकल के आएगी. जो नेक्स्ट है
13:7. तो इसमें साइड क्या लेट कर लोगे आप 12x, 13x और 17x. तो जब x निकालते हैं तो वो क्या होता है 12x a प्लस बी प्लस सी बाय 2. और इसी का पैरिमीटर हमें इसमें गिवन है 340 या 240 जो भी वैल्यू है. तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी हमारी x की वैल्यू. उस x की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दोगे, सपोज 10 आती है तो ये क्या आ जाएगा 120, 130 और 170 हो जाएंगे हमारी a, b, c. वही क्वेश्चन है, ठीक है. और जो नेक्स्ट है उसमें दी हुई है हमारे पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसकी साइड है. आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है और इक्विलेटरल की थ्री साइड्स. हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसकी वन साइड इज 3 मीटर एंड दी अदर साइड इज 7 मीटर. तो आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या हो गया, जिसकी टू साइड्स इक्वल होंगी. ये वाली क्या हो गई, इक्वल साइड. अगर ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 3, तो ये हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब इसमें ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है. सेम वही है हीरोज फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों ही साइड क्या होंगी हमारे पास इक्वल होंगी. आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो टू साइड्स जो वैल्यू दी हुई है एक की, वो टू साइड्स जो भी आपकी इक्वल है वो उनकी लोगे आपसे, ठीक है. तो इसकी ये एक्सरसाइज की आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. ओके, थैंक यू.